हथियार बदलने पर मजबूर के दोषी को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजबूर सरकार के दोषी को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़ित परिवार को मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी विधवा को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। ला रहे हैं, हर एक पांच साल की सरकार होती है, अपना तुलना अपने पांच साल से करना चाहिए और न कि पंद्रह साल बनाम पंद्रह साल जनता के आंख में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं ये गलत है। निश्चित तौर पे जनता इस बात के लिए सड़क पर रहेगी। और एक सांकेतिक के साथ, अभी कल आपने देखा होगा कि जो मसाल जुलूस था आज इस तरह का है। कल और कुछ अगर बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं और ये बैठ करके नहीं सोचेंगे, सही नरसंहार की संज्ञा जब तक नहीं देंगे। आप केवल अरेस्ट किए हैं, अरेस्ट करने से क्या है, अरेस्ट करने का तरीका क्या है, कहां से हुए, कहां थे और किन ढंग से, क्या आपका आईबी फेलियर है, क्या सीआईडी फेलियर है, आपको इतनी बड़ी सेना बना करके इस ढंग से जनता के ऊपर कर रही है, तो ये बात संज्ञान में आपको होना चाहिए। आम व्यक्ति तबाह है, दस कोस वहाँ पर लोग सो नहीं रहे हैं और पूरे दो समाज के बीच में लड़ाने का जो ये संज्ञा हो रहा है उससे हम इतर अलग बात करेंगे कि हमारा समाज का एक एक व्यक्ति जो गलत है। क्रिमिनल किसी जात का नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल है चाहे जो भी हो। हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री आज पद पर है, मुख्यमंत्री संज्ञान ले और नरसंहार का कि इसको संज्ञा दे करके वैसे परिवार को नौकरी, उसको पूरी तरह के लिए जो एक समाज का जो भय है उसको निकालने का प्रयास करे। ऐसे प्रशासन के लोग वहां जाकर के पूरे पूरे बेनीपट्टी को, पूरे हरलाखी को, पूरे मधुबनी को कैसे शांत रखा जाए, इसका प्लानिंग होना चाहिए। और हम लोग के बैठने से अगर इनके छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो दर्द वाले सुन लीजिए, ये जनता जाग चुकी है। आप किसानों को दिल्ली में जिस ढंग से अहंकार की प्रवृत्ति में आज चार महीना से लोग बैठे हुए हैं, आप कुंभकर्णी निंद्रा में है, तो आप पूरे देश को झकझोर रहे हैं और इसी सब का किन्हें प्रायोजित मधुबनी में देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारे सभी साथी आपके सामने में हैं और अपनी अपनी बातों को कहने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सर, एक संघर्ष में तब्दील हो सकता है। हमने पहले भी कहा कि शांत प्रिय जगह है, शांत प्रिय कैसे रहे ये सरकार का सोच होना चाहिए। करणी सेना है कि करणी सेना के बीच में रावण सेना का प्रायोजित है ये कैसे पता चलेगा? इनका सीआईडी कहाँ है, इनका आईबी कहाँ है? ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के हिसाब से नेपाल के बॉर्डर पर हम लोग हैं। देशी या मदेशी का कि मतभेद जो चल रहा है ये उससे बड़ा चीज है। हम लोग के यहाँ से वहाँ कोई शादी भी होता है कोई नहीं जा पाता है, उधर से कोई नहीं आ पाते हैं। कौन ऐसा परिवार है मधुबनी जिला का जिसमें नेपाल में शादी विवाह और हमारे जो सामाजिक संरचना के हिसाब से रिश्ता नहीं है? हर एक लोग दर्द में है। केवल कहने से कि देश में बैठे व्यक्ति आज डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है ये हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी चौथा स्तंभ है, आप भी आंख खोल करके देख रहे हैं और हरेक लोग परेशान है। हमारे घर में जो नेपाल में शादी होती है लोग परेशान है, इधर से आने जाने में मरनी में आप हुआ उधर से देखते हैं। आजकल बताइए, फादर जल रहे हैं यहाँ पर, अब बेटा वहाँ से देख रहा है, इससे मरवाहट कौन सी हो सकता है? क्या अपेक्षा रखते हैं? गाजीपुर का कोई सीडी है जो आरोप लगाया जा रहा है? सर, ये कॉल डिटेल के बारे में क्या है ये मामला सर? कॉल डिटेल, संरक्षकों का कॉल डिटेल देखा जाए, जो भी इसमें संलिप्त है और जो संलिप्त होने वाले उनमें कॉल डिटेल देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके कितने दिनों से बातचीत हो रही है, क्या क्या बातचीत हो रही है। इसलिए वैसे जगह स्थापित जितने पदाधिकारी है उनका कॉल डिटेल निकाल के वो सीबीआई को किन्हें समर्पित करे। इसलिए हम मांग करेंगे कि ये आपसे नहीं संभालता है तो सीबीआई को देने का प्रयास करे ताकि मेरा मधुबनी शांत रहे।